जनेऊ का एक संस्कार होता है, उपनयन संस्कार, और जो जनेऊ संस्कार भी बोलते हैं उसको यज्ञोपवीत संस्कार भी बोलते हैं। तो संस्कारों के क्रमों में जब हम संस्कार करने प्रारंभ करते हैं उनमें यज्ञोपवीत संस्कार का विशिष्ट महत्व है। और यज्ञोपवीत भी चूंकि बिना सिला वस्त्र होता है, जो हम बहुत सारी पद्धतियों में आपको बताते हैं कि जब हम साधना पथ पर चलते हैं तो ये ऐसा माना गया कि अंतिम वस्त्र है, सारे वस्त्रों को आप बदल देते हैं, लेकिन जब परमात्मा के पास आप जाते हैं, मतलब जब वृत्ति के प्राण नहीं रहते और उसकी अंत्येष्टि हम करते हैं, तो जनेऊ को नहीं उतारा जाता है, उस बासी जनेऊ के साथ ही व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है। तो वो वस्त्र ऐसा था जो परमात्मा को अर्पित होना है, और चूंकि उसमें सुई नहीं चलती तो गांठ से बनता है, तो उसको कंप्लीट वस्त्र माना गया है। इसलिए वस्त्रम समर्पयामि में जब हम भगवान विष्णु को या भगवान शिव को या किसी भी देवता को या देवी को भी हम वस्त्र अर्पण करते हैं, तो बहुत बार जनेऊ अर्पित करने से वो क्रम भी हमारा पूरा हो जाता है, वो प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाती है। जनेऊ भर के चढ़ा देने से वस्त्रम समर्पयामि पूर्ण हो जाता है, परमात्मा के लिए दिए गए वस्त्र की पूर्ति हो जाती है। बहुत सारे अगर दीर्घ प्रक्रियाओं में आप देखेंगे, अजंता एलोरा हमारे ओल्डेस्ट रेफरेंसेज हैं, हमारे रिचुअल्स के, हमारे धार्मिक पद्धति के, कर्मकांडों के, हमारे देवी देवताओं के प्रारूपों के, जिनकी उम्र लगभग 2500 वर्ष है। इन 2500 वर्षों में ही पूरे विश्व ने आंखें खोली हैं, सभी चीज़ों के प्रति उनकी एक चेतना का जागरण हुआ है। उस समय हम किस उत्कर्ष पर थे इसका पता उन प्रस्तर प्रतिमाओं से, उन पत्थर की मूर्तियों से चलता है। और वो नयनाभिराम हैं, 1200 साल पुराने हमारे खजुराहों के मंदिर हैं, ऐसे हमारे मतलब पूरी एक श्रृंखला है जो 5000-10000 वर्ष से शुरू होती है और अभी 9वीं-10वीं-11वीं-12वीं शताब्दी तक आकर के रुकती है। उसके बाद भी बहुत जगह यदा कदा कार्य हुए हैं, लेकिन वो श्रेष्ठतम शिल्प है। तो शिल्प में आप प्रायः जब प्रतिमाओं को देखेंगे, जो भगवान शिव के पाणी ग्रहण का संस्कार है और कैलाश गुफा में है, वो जो आपका एलोरा की केव्स हैं, एलोरा की गुफाएं हैं जो आपके इसमें हैं, आंध्रा में पड़ती है शायद अब वो, तो उनमें जो है वहाँ आप देखेंगे तो भगवान शिव ने भी जनेऊ पहना हुआ है और बहुत सारे दृश्यों में माँ पार्वती ने भी पहना हुआ है। महिषासुर मर्दिनी के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनकी प्रस्तर प्रतिमा पर जनेऊ भी उत्कीर्णित है, जनेऊ भी दिखाई पड़ेगा आपको जब आप गौर से देखेंगे। तो यानी कि हमारे देवियों के भी जनेऊ पहनने का विधान है, माताएं भी हमारे जनेऊ पहन सकती हैं और पुरुष भी जनेऊ धारण कर सकते हैं, ये हमारी प्राचीन परंपरा का हिस्सा रहा है। तो लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार अगर हम अपने कुल गुरु से कराएं, कुल आचार्य से कराएं, कुल पुरोहित से कराएं तो श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसमें बीज किया जाता है, एक आधान का, एक मंत्र का आधान किया जाता है उसमें, तो वो अगर उसके साथ करेंगे तो अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, आपके लिए अधिक लाभकारी और पुण्य का हेतु बन जाएगा। Yeah.